तो बेसिकली आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एरे। एरे क्या होता है? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अगर आप चले अपनी स्कूल लाइफ में जहां हमने किताबों में एरे को पढ़ा था, तो एरे किताबों में दिया गया था कि सिक्वेंसली अरेंज करना, किसी भी नंबर को सिक्वेंस में अरेंज करना, और सेम काम यहां भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, या मैं यहाँ इक्वल कर्ली ब्रैकेट में लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सेम वर्क कर रहा है। तो फायदा क्या हुआ कि अलग अलग सेल पे हम ना लिख के हमने एक ही सेल पे लिखा। अब क्वेश्चन आता है कि हमें इसकी बेनिफिट कैसे मिलती है। चलिए आपको हम समझाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे अपना नेम लिखता हूँ सुजीत, कैसे लिखना ना, SUJEET सुजीत। अब मुझे इसको हर लेटर को अलग अलग सेल में इस तरह से करना है। तो मैनुअल ना करके हम फॉर्मूला के थ्रू कैसे करेंगे? तो अगर हम एरे फॉर्मूला ना लगाते हैं तो हमें लगाना पड़ेगा मिड का फॉर्मूला। मिड हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा स्टार्ट नंबर 1 एंड नंबर 1 नंबर 1। तो वापस मिड हमने इसको सिलेक्ट किया कि भाई अब 2 से स्टार्ट करो और एक लेटर अलग कर दो। फिर अगेन मैंने यहाँ पे लगाया मेड, इसको सिलेक्ट किया, हमने बोला कि तुम 3 से स्टार्ट करो और एक लेटर अलग करो। फिर वापस मैंने लगाया यहाँ पे फॉर्मूला मेड, इसको सिलेक्ट किया, हमने बोला कि तुम 4th से स्टार्ट करो और एक नंबर दे दो। अगेन मैं यहाँ पे गया मेड, इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि तुम 5th से स्टार्ट करो, एक लेटर दे दो। फिर अगेन मैं यहाँ पे गया मेड और मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला तुम 6th से स्टार्ट करो, एक लेटर दे दो। आपके सामने अलग अलग आ गए। तो आपने देखा हमें कितना सारा फॉर्मूला लगाना पड़ा, हमारा टाइम, हमारा मेहनत, सब कुछ इस पे लग गया, इस पे हमारा सब कुछ लग गया। अब इसको कैसे रिजॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि हम एरे का इस्तेमाल करें। हम यहाँ आते हैं, आते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला मिड। मिड फॉर्मूले में यहां लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट में हम देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके यहां हम करते हैं 1। फिर आप यहां एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे SUJEET लिखा हुआ। तो आप देखिए ऊपर जो हमने फॉर्मूला लगाया, हमें 5 बार लगाना पड़ा और यहां पर हमारा फॉर्मूला सिर्फ 1 बार। एरे फॉर्मूला में सबसे ज्यादा यूज होता है 2 फॉर्मूले, रो एंड सीक्वेंस। तो रो फॉर्मूला तो पढ़े ही थे, जिसमें आप जो नंबर देंगे वो आएगा, वो तो अलग चीज है। सीक्वेंस फॉर्मूला एक नया है। सीक्वेंस फॉर्मूला क्या करता है? जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला कि 6 रो 1 कॉलम 1 से स्टार्ट करो, एक एक का गैप करो और यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो आप देखिए रो वाइज आपको यहाँ दे दिया नंबर। या रो के जगह पे मैं कॉलम करूं यहाँ पे, कि मुझे रो 1 ही चाहिए और यहाँ पे कॉलम 6 चाहिए, तो देखिए कॉलम वाइज दे देगा। तो सेम चीज अगर हमने यहाँ 1, 2, 3, 4 ना लिख के हमने क्या किया, मिड का फॉर्मूला दिया इसको लिए और यहाँ पे हम सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा दिया। और इसमें मैंने बोला कि बता रहा हूँ, हमने 1 मतलब कि 1 ही रो, क्योंकि ये एक सीक्वेंस देता है। अगर 0 करोगे तो, क्योंकि एक्सेल में 0 रो नहीं ना होता है, इससे एरर देगा। और कितने कॉलम्स में जाना है आपको? 6 कॉलम में जाना है, तो 6 कॉलम तक एक दो तीन शुरू करेगा। बात होता है कि शुरू क्या 1 से करना है या किसी और से करना है सीक्वेंस। तो मैं बोला कि मुझे 1 से ही करना है और एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस के बीच में गैप कितना हो, मतलब 1 और 2 के बीच में गैप 1 है, तो हमने 1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया 1 और एंटर प्रेस किया, तो देखिए सेम फॉर्मूला वर्क कर गया। अब इस फॉर्मूले में बेनिफिट क्या है कि मैं इस 6 को कर सकता हूँ ऑटोमेट। क्या कर सकता हूँ? ऑटोमेट। तो मैंने यहाँ पे लेन फॉर्मूला लगा के इसकी लेंथ ले लिया, तो अब मेरा जो ये है जो स्टेक्स है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग हो गया। अब आप कन्फ्यूज है कि कैसे काम किया, तो चलिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं। हम फॉर्मूला एवलेट करते हैं, यहाँ देखिए, तो लेन ने दिया
सिक्स, कितना दिया सिक्स। अब सीक्वेंस क्या करेगा, ए से छे तक का ए बना देगा। आपने देखा था ऊपर वाले फॉर्मूला में हमने सेम फॉर्मूला लगाया था ना, क्या सर? तो एक से लेकर छे तक का लिखने का जो हमारा मेहनत है वो आपका सीक्वेंस फॉर्मूले ने बचा दिया, और छे होगा या दस होगा ए लेन फॉर्मूले ने सीक्वेंस को ये चीज ऑटोमेट कर दिया, तो ये आपका फुल्ली ऑटोमेट हो गया। समझ में आया आपको कि नहीं? महेंद्र जी कोई डाउट? सर एक और बताइए। देखिए तो सबसे पहले चला तो यहाँ सीक्वेंस फॉर्मूला ने लेन से लिया नंबर ऑफ कितना लेटर्स, कितने लेटर्स है तो उसने दे दिया छे। तो सीक्वेंस फॉर्मूला के एक रो के अंदर छे कॉलन और एक एक का स्टेप लेके चलना है, तो इसने बता ए ने एक से लेकर छे तक की गिनती दे दी, तो सर गिनती जी। और मिड इस ऊपर वाले फॉर्मूले में मिड को मैंने यही दिया था ना मैनुअली, क्या सर? जी। तो बेसिकली हमें ए चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये मैनुअली लिखना पड़ रहा है और ये फिक्स है, ऑटोमेट नहीं है। क्या है? फिक्स है, ऑटोमेट नहीं है। तो यहाँ पे इसको हमने सीक्वेंस फॉर्मूला से ऑटोमेट कर, समझे? जी। तो एरे सीक्वेंस जब लगा तो एक बेनिफिट दिया। आप बोले सर इसमें रो एंड कॉलम क्यों है? जैसे मैं यहाँ पे अगर दो, यहाँ पे अगर मैं दो रो कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये दो रो में आपका नंबर दे रहा है, छह कॉलम देखा सर, समझे? तो इसलिए रो कॉलम होता है। लेकिन ये सीक्वेंस फॉर्मूला ये ऑटोमेटेड है, मतलब कि ये आपका लेटेस्ट फॉर्मूला ऑटोमेशन के लिए है, ये पुराना फॉर्मूला नहीं। जी। अब पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, क्या बोले सर? क्या करेंगे सर? तो इसके लिए हम रो फॉर्मूले के साथ मिक्सअप करेंगे। देखिए क्या है, हमने लगाया मेड, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे इसका बहुत यूज है, और मैं यहाँ पे स्टार्ट नंबर यहाँ पे मैं लगाता हूँ रो, रो रो के अंदर एक से लेके छे दे देता हूँ, क्या देता हूँ एक से लेके छे, और इसको यहाँ पे कंबाइन करता हूँ और यहाँ पे कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर दे देता हूँ वन। तो आप देख सकते हैं ये आ गया, हमने रो लगाया इसलिए इस रो बाई जाए, अगर मैं यहाँ पे कॉलम लगाऊंगा तो कॉलम बाई जाए, ठीक है सर? जी। लेकिन रो ने क्या किया, तो यहाँ देखिए रो ने एक से लेकर छह तक कल वैग में टूट गया, जो कि एक्चुअली मुझे चाहिए, जो सीक्वेंस भी दे रहा है, समझे? पर प्रॉब्लम ये है कि रो जो है यहाँ पे ऑटोमेट नहीं है ना सर, छह की जगह आठ होगा तो मैनुअली यहाँ आठ करना पड़ेगा ना, क्या बोल रहे हैं सर? तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, इसको लगाते हैं और एंड परसेंट से हम लेन का फॉर्मूला देते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि लेन फॉर्मूला लग के कॉन्केट हुआ तो ये आ गया टेक्स्ट, और रो कभी टेक्स्ट नहीं लेता है, उसको तो रेफरेंस चाहिए। तो याद होगा हमने आपको इनडायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया, तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला इसको क्या करेगा, रो में इसमें रेफरेंस में कन्वर्ट करके देगा, रिजल्ट आ गया। अब देखिए रो फॉर्मूला क्या कर रहा है, तो सबसे पहले लेन फॉर्मूला चला, यहाँ देखिए लेन फॉर्मूला चला A5, इसने नंबर ऑफ दे दिया लेंथ 6, फिर 1 और 6 कंबाइन होकर 1 से 6 बना, बना ना सर? पर इन्वर्टर कुमा में है, रो इसको रो फॉर्मूला कंसिडर नहीं करेगा, यहीं पर इनडायरेक्ट एंट्री होती है, इनडायरेक्ट इसको 1 से 6 जो टेक्स्ट में है उसको रेफरेंस बना देता है, बना दिया सर। फाइनली ऊपर हमने यही चाहिए, तो इससे पहले सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाया था, फिर ये एक से लेके छह तक में टूट गया, और ये देखिए आपके सामने क्या दे दिया इसने 1, ठीक है, और ये आपका लेटर अलग कर,
तो रो फॉर्मूला और सीक्वेंस फॉर्मूला, सीक्वेंस फॉर्मूला नया है जो जो कि इजी कर दिया है, लेकिन ये रो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्लियर हुआ सर? जी जी सर। तो बेसिकली हम जो है एरे को बेसिकली तीन जगह में यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन, डेटा स्टोरेज। ठीक है, तो अभी जो आपने एग्जांपल सीखा वो सीखा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि आपको एक ही तरह के 10-15 फॉर्मूले लगाने हो अलग अलग सेल में, फॉर्मूला का सब कुछ सेम हो, बस उसके अंदर कोई एक सीक्वेंस हो, जब पहले कॉलम में या पहले रो में एक, दूसरे रो या दूसरे कॉलम में दो, इस तरह सीक्वेंस में लेके चले, वहां हम इसका इस्तेमाल करें। क्लियर है सर? जी तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एरे इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, इसको धीरे धीरे पढ़ें। आप मुझे अब इस एग्जाम्पल को लेते हुए मुझे पांच एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का बना के दें।